हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनकी फुल तैयारी यहाँ कराई जाएगी, और मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल के अलग अलग पार्ट बनाकर प्रोवाइड कराऊँगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड रेडियस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एस्टिमेटेड जो रेडियस होती है किसी यूनिवर्स की हम लोगों के, तो वो लगभग कितनी है? तो इसका जो आंसर है वो है 10^25 मीटर। तो रेडियस जो है यूनिवर्स की 10^25 मीटर इसके अप्रॉक्सीमेटली है। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ मास abbreviated as CSL, चंद्रशेखर लिमिट। इफ 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, देन n इज इक्वल टू, तो आपसे पूछा है 1 CSL इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन हो तो n की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये n का जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका b, 1.4। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, इसका जो आंसर है मल्टीपल का 1.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेशियो ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए यू एंड द एंगस्ट्रॉम यूनिट ए एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एंगस्ट्रॉम, इन दोनों का रेशियो का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल टू होता है? तो देखते हैं, तो देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10^11 एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 10^21 इसके ऑर्डर के इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है। तो हमारे क्वेश्चन में 10^21 ये जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, तो 1 हर्ट्ज किसके इक्वल टू है? तो द हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई एन, एन इक्वल टू 1/T एंड द यूनिट ऑफ टी इज सेकेंड, सो 1/s एंड हर्ट्स इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, सो द आंसर इज डी, सेकेंड इनवर्स, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन दैट स्मॉल आर इक्वल टू एम स्क्वायर साइन pt, where t represents time, if the unit of small m is newton, then the unit of small r is, तो देखिए आपको ये रिलेशन गिवन है, small r equal to m square sin pt, और यहाँ आपको गिवन है कि m की जो वैल्यू है, m की जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन है, तो small r की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? तो देखिए sin pt इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन पी टी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है, और आर की जो यूनिट होगी वो एम स्क्वायर की यूनिट के इक्वल टू होगी। एम की यूनिट न्यूटन है, तो यहाँ एम स्क्वायर है तो आर इक्वल टू न्यूटन स्क्वायर, तो आर की यूनिट होगी न्यूटन स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, एन स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, Which of the following do not have the same units as the order of quantities listed below? तो आपसे पूछा है कि इसमें से सेम यूनिट किसकी नहीं होगी, तो देखिए सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और सरफेस एनर्जी, इन तीनों की जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, सो इसका जो आंसर होगा इस तरीके से, जो डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव, इसमें से कोई नहीं, ये जो डी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो आप इसे लर्न कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम को ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं
कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए न्यूटन अपॉन किलोग्राम यहाँ पे लिखा हमने, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एफ इक्वल टू एम ए, एम की यूनिट किलोग्राम, ए की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये किलोग्राम से डिवाइड दे दिया डिनोमिनेटर में। तो देखिए इसमें ये देखेंगे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल करते हैं एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलता है किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल करने के बाद में, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो यूनिट होती है ये एक्सेलरेशन की होती है। सो वी कैन से दैट न्यूटन अपॉन किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ कंपेयर टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ एक्सेलरेशन। और 8th क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जो बी ऑप्शन है इसका, एक्सेलरेशन ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो रिडक्शन फैक्टर जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है देखते हैं। सो इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वी नो दैट आई इक्वल टू के टेन थीटा एंड टेन थीटा इज डायमेंशनलेस, सो आई इज इक्वल टू के, दैट इज एम्पियर। आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो के की यूनिट भी क्या होगी, एम्पियर होगी। सो 9 का जो आंसर है वो सी है, सी ऑप्शन इसका सही है, एम्पियर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मीटर केल्विन एज द यूनिट। इनमें से जो ये जो आपको गिवन है उसमें से पूछा है आपसे मीटर और केल्विन, मीटर इंटू केल्विन, इसमें से किसकी यूनिट होती है। तो देखिए वीन का जो इसका लॉ होता है इसके अकॉर्डिंग लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी के इक्वल टू होता है, लैम्डा की यूनिट मीटर एंड टी की यूनिट केल्विन, तो मीटर इंटू केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ वीन्स कॉन्स्टेंट बी। सो द आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन इज वीन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज बी। 10th क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही है, वीन्स कॉन्स्टेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। मीटर केल्विन की यूनिट जो होती है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो वीन्स कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट फोर्स कैपिटल एफ इज गिवन बाई एफ इक्वल टू पी टी इनवर्स प्लस क्यू टी, हेयर टी इज टाइम, द यूनिट ऑफ पी इज द सेम एज ऑफ एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपसे पूछा है कि जो पी यूनिट है वो किसके सेम होगी, एक्सेलेरेशन के, मोमेंटम के, वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के, किसके सेम होगी, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो द डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू पी टी इनवर्स, यहाँ से पी की वैल्यू निकाली एफ इंटू टी, इसकी यूनिट रखी एफ की, एफ इक्वल टू एम ए, सो यूनिट्स इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम की यूनिट है सेकेंड, एक सेकेंड से यहाँ सेकेंड कैंसिल कर दिया, तो आपको यहाँ निकल के आया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो जो पी की यूनिट है हमारी वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैव द सेम यूनिट्स एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस, सी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड कैपेसिटेंस, डी मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपसे पूछा है कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके सेम होगा। तो देखिए, तो यहाँ देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम की मीटर क्यूब, यहाँ से आप मीटर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल कर देंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर, इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल अपॉन कूलाम एंड चार्ज की कूलाम, कूलाम्स टू कूलाम कैंसिल, ये जूल के इक्वल टू है। तो हमारे क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन में इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीपल होता है इसके यूनिट होती है चार्ज एंड पोटेंशियल के मल्टीपल के इक्वल टू, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये जो आपको गिवन है इसमें से कौन सी यूनिटलेस है? ए वेलोसिटी ग्रेडियंट, बी प्रेशर ग्रेडियंट, सी डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट और डी फोर्स ग्रेडियंट। इसमें से कौन सी यूनिटलेस क्वांटिटी है? तो देखिए, तो द डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ क्लाइम ऑफ हाइट एंड बेस, एंड द यूनिट ऑफ हाइट इज मीटर एंड हाइट ऑफ बेस इज मीटर, कैंसिल आउट, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। सो द आंसर ऑफ द 13th क्वेश्चन इज डी, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव की यूनिट क्या होती है? सो द इंटेंसिटी ऑफ वेव इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, एंड ई अपॉन टी इज इक्वल टू वॉट, एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको चेंज करके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो वॉट इनटू मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की जो यूनिट होगी वो बी ऑप्शन सही है, वॉट इनटू मीटर टू द पावर माइनस टू, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोथ यूनिटलेस एंड द डायमेंशनलेस। तो इसमें से यूनिट नहीं हो और डायमेंशन भी ना हो, तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो ए एंगल, एंगल की आपकी यूनिट होती है रेडियन, बी सॉलिड एंगल इसकी होती है स्टेरेडियन, सी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल, और ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ना तो ये यूनिट है इसके अंदर बोथ यूनिटलेस एंड अ डायमेंशनलेस, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपको कैलोरी, बी जूल, सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी वॉट। तो देखिए कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तीनों ही एनर्जी की यूनिट्स हैं, और जो डी ऑप्शन है ये पावर की यूनिट है। तो आपका जो ऑप्शन है कि कौन सी यूनिट नहीं है एनर्जी की, वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ फोकल पावर ऑफ अ लेंस इज, फोकल पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ए वॉट, बी हॉर्स पावर, सी डायोप्टर और डी लक्स। इसमें से कौन सी यूनिट है फोकल पावर की? तो फोकल पावर की आप जानते होंगे इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, पी इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो पी की पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है? ए हेनरी, बी वॉट, सी टेस्ला एंड डी डाइन्स। इसके किसके इक्वल टू होता है इन चारों में से? सो द वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो आंसर इज सी टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द पॉजली इज द यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट होती है पॉजली? आपको ऑप्शन गिवन है ए प्रेशर, बी फ्रिक्शन, सी सरफेस टेंशन और डी विस्कोसिटी। सो द आंसर इज डी विस्कोसिटी। तो पॉजली जो यूनिट होती है वो विस्कोसिटी की होती है, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? ए ऑप्शन वेबर अपॉन मीटर की टू द पावर माइनस टू, बी वेबर, सी वेबर मीटर इनवर्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सी होती है यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की? तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वो बी ऑप्शन है वेबर, इसकी यूनिट होती है, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, मैं लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।